वेलकम टू नजहत किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ निहारी, और मैं बनाऊंगी बीफ की निहारी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 2 से 2.5 किलो मेरे पास ये बीफ है, ये बोंग का गोश है, ये देखिए इस तरह का होता है, और इसमें मैं हड्डी भी शामिल करूंगी। तो तकरीबन 2 से 2.5 किलो के करीब मेरे पास ये गोश है। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ। ये पतीली मैंने ले ली है, आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। और इसमें मैं तेल डालूंगी, इसमें तेल ज्यादा डलता है। तेल गर्म हो जाए तो मैं इसमें ये हड्डी शामिल कर दूंगी। ये देखिए तेल गर्म हो गया, अब मैं इसमें ये हड्डी शामिल कर दूंगी। हड्डी शामिल कर दी, अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। फिर 2 से 3 मिनट में भूनूंगी इसे, और फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये देखिए, अब मैं पहले इसमें है ना इसकी पोटली तैयार कर लेती हूँ, जो मैं इसमें डालूंगी। आप कोई से भी मलमल का कपड़ा ले लीजिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये वाइट ही कलर का लिया है, आप कलर वाला नहीं लीजिएगा। इसमें ये मैं 2-3 इसके पत्ते डालूंगी, तेज पत्ता, ये 2 बादियान के फूल है, और ये 2 स्टिक है दालचीनी, और 3 टेबल स्पून आप तकरीबन इसमें ये साबित धनिया डाल लीजिए। और ये सौंफ है, सौंफ भी तकरीबन इतना ही डलेगा, ये मेरे पास तकरीबन ये है। और इसकी है ना मैं पोटली बना लूँगी, इसको अच्छे से बांध लीजिएगा। ये देखिए ये तकरीबन हो गया, भून गया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन है ना 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये भी डालूंगी, इसमें भूनूंगी। और इसके साथ अब मैं ना ये जो गोश है ना ये भी डाल दूंगी, ताकि साथ ही साथ दोनों चीज भून जाए। ये देखिए, बाद ऐसे करते हैं कि पहले उसकी यखनी निकाल लेते हैं हड्डियों की, उसके बाद गोश डालते हैं। तो मैंने साथ ही साथ कर दिया है तो इजी भी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो मैंने ये पोटली बनाई थी ये मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मेरे पास है ये सौंठ का पाउडर है, तो ये सौंठ का पाउडर 1.5 टेबल स्पून ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये 1 टीस्पून हल्दी है, ये शामिल कर दूंगी। ये 3 मेरे पास प्याज है, मैंने इसको कट नहीं किया इसलिए कि ये प्याज हम बाद में निकाल लेंगे, तो ये मैंने साबित ही डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें है ना 1.5 टीस्पून मैं ना इसमें नमक शामिल कर दूंगी, थोड़ा सा चलाऊंगी। और मैं इसमें तकरीबन है ना 3 लीटर पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ताकि ये गल भी जाए। ये देखिए इतना पानी मैंने शामिल कर दिया, ये इसी में गल भी जाएगा और ग्रेवी भी इसी में रह जाएगी, अलग से फिर इसमें पानी नहीं डालना होगा। और इसको तकरीबन मैं 2.5 से 3 घंटे में पकाऊंगी। अगर कुकर में पकाती तो जल्दी हो जाता, लेकिन मैं इसको पतीले में बना रही हूँ तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लगेगा इसको गलने में, और जब ये गल जाएगा तो फिर इसके बाद चले। ये देखिए, अब मैं इसका एक मसाला तैयार करूंगी, जो अब ये निहारी तैयार हो जाएगी तो तब जाके मैं इसमें ये मसाला डालूंगी। इसके लिए मुझे चाहिए होगा ये तकरीबन 8-10 हरी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, और ये जायफल का छोटा सा टुकड़ा है, इसको ज़्यादा नहीं डालें तो कड़वा हो जाएगा, और ये जावित्री है,
और 8-10 लौंग, और ये 1/2 टीस्पून तकरीबन काली मिर्च है, और ये 2-3 है ना पत्ता है उसका तेज पत्ता है, और ये 2 काली इलायची, और ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इस सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी, ये सारा इसमें मिक्सी में डाल देती हूँ और डाल के मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए जो मैं गरम मसाला ये पिस चुका है, और ये मैं आपको है ना ये पिपली बताना भूल गई थी, ये तकरीबन 2 स्टिक ये वाला डाल दीजिएगा, पीस दीजिएगा इसी गरम मसाले के साथ। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए निकाला है। और ये मेरे पास तकरीबन 8 टेबल स्पून आटा है जिसका मैं घोल बनाऊंगी और वो इसके अंदर डालूंगी निहारी में। देखिए ये जो मैंने पोटली बनाई थी ना, ये सबसे पहले मैं इसको निकाल देती हूँ और इसको दबा दबा के इसका पूरा वो निकाल दीजिएगा, इसमें जो इसका जूस वगैरह गया होगा। और ये देखिए ये प्याज है, ये भी मैं निकाल दूंगी। देखिए अब मैं ये जो इस पे ऑयल आया हुआ ना, ये भी मैं निकाल दूंगी, थोड़ा मैं निकाल दूंगी जो मैं ऊपर से डालूंगी, नहीं तो जब मैं इसका वो डालूंगी आटा डालूंगी ना तो ये फिर पता भी नहीं चलेगा कि ऑयल गया कहाँ। देखिए मैंने निकाल लिया आधा तेल, अब मैं इसमें ये आटा डालूंगी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से इसको डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे, नहीं तो ये इसमें गुठलियाँ हो, फ्लेम हाई कर लेते हैं। चम्मच चलाते जाना है, चम्मच नहीं रोकना है, नहीं तो गुठलियां हो जाएंगी इसमें पड़ जाएंगी। तकरीबन इतना बहुत है। अब इसको तकरीबन है ना 15 से 20 मिनट के लिए, आप इसको जब बॉयल आ जाएगा तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दीजिएगा। तकरीबन 15 मिनट हो गया। अब ये जो मैंने गरम मसाला जो पीस के रखा था, इसको मैंने थोड़े से पानी में डाल के घोल लिया, नहीं तो मैं वैसे ही डालूंगी तो ये गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी, तो ये मैं इस पे डाल दूंगी, थोड़ा सा चम्मच से पोंछ के डाल दूंगी। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। और अब मैं इसको 5 मिनट दम पे लगाऊंगी और फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और ये मेरी निहारी तैयार है, और मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिए। अब इस पर आप हरा धनिया और ये अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची, ऐसे गार्निश कर लीजिए और खाइए। बहुत ही मज़े की बनी है और खुशबू भी माशाल्लाह से पूरे घर में फैली हुई है। तो अगर आपकी आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।